हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे आप जो चादर किस तरह से सेट कर सकते हैं, कवर किस तरह से सेट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो पे और पूरा डिटेल में जानिए। स्क्रीन को बड़ी करने के लिए आप अल्टर प्लस W क्लिक करें तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ। इस तरफ देखिए, सबसे पहले आपको जो लेना है स्पीयर लेना है, ठीक है। स्पीयर के नीचे सिलेंडर है, आपको सिलेंडर लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से सिलेंडर पूरा लेना है और इसकी थिकनेस ऐसा सिलेक्ट कर लेनी है। अभी देख लीजिए, इसकी हम थिकनेस लिखेंगे यहाँ पे एडिट में जाएंगे। इस तरफ जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे, इसमें जाके इसकी जो रेडियस है वो रेडियस लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस 7 फीट लिखेंगे हम, 7 फीट, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो लिखेंगे 6 इंची, अप्रोक्सीमेट 6 इंची। ये देख लीजिए, इस तरह का ये पूरा बन चुका है। ये 7 फीट बहुत बड़ा है, हम 5 फीट ही लिख देते हैं, ठीक है। ये 5 फीट करेंगे, ये देख लीजिए। अभी ये है जो सेंटर में नहीं दिख रहा है, हम इसको सेंटर में लाएंगे, यानी कि एक्सिस सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके अभी जो एक्सिस है इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये एक्सिस है जो चेंज करेंगे। वापिस एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके इसकी है जो सारे एक्सिस चेंज करेंगे हम। 0 0, ये देख लीजिए, अल्ट्रा प्लस करके ऐसे घुमा भी देख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर ये, ठीक है। ये हम मूव करके इसको सेट कर देंगे, W कमांड से मूव हो जाएगा, W एंटर कर देंगे। ये देख लीजिए मूव हो रहा है, इस तरह से ये हमने मूव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम जो है ये डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर हम फेस कर देंगे, ठीक है, एजिस फेस कर देंगे, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस तरफ हम वापस जाएंगे और इस पर एडिट में जाएंगे। ये देख लीजिए, अभी हम इस मॉडिफाई में जाएंगे, ये हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मॉडिफाई में ये सारा हमने कर दिया। अभी वापस प्लस पे जाके हम एक और जो है सिलेंडर बनाएंगे, इस तरह से ये छोटा बनाएंगे, इस तरह से ये बना लिया, ठीक है। अभी इसका भी हम जो है वो रेडियस वगैरह सेट करेंगे। इसका जो रेडियस है हम वो अभी 5 फीट रख रहे हैं, 5 फीट। और इसकी जो नहीं, इसका रेडियस है जो हमें 1 फीट ही रखना है, 12 इंची रख लेते हैं इसकी रेडियस, 12 इंची। और इसका हाइट है वो 4 फीट रखेंगे, 4 फीट, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह से हो गए। अभी इस एक्सिस पे इसको मूव करके यहाँ पे ले जाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे और ये वापस अपने जो है वहाँ पे चला जाएगा, स्टैंडर्ड स्थान पे चला जाएगा। या फिर हम W करके मूव कमांड से भी ले जा सकते हैं, कितना मूव करना है आप लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं, जैसे Z पे हम माइनस, यानी कि हमको टेबल नीचे लिखें, जैसे -4 फीट। उसके बाद हम X एक्सिस पे लिखेंगे 0 0 0 0, और Y पे भी 0 0, दोनों पे 0 0 कर देंगे, 0 0, ठीक है। इस तरह से ये देख लीजिए, ये पूरा अभी अपर साइड है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको माइनस करेंगे, ये -4 फीट हमको लिखना है, -4 फीट। ये देख लीजिए, नीचे पूरा जा चुका है। अभी अल्ट्रा करके मैं आपको देखो जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह से डाइनिंग टेबल का अभी शो हो रहा है। ये इसका जो स्टैंड है और ऊपर ये हमने टेबल रखी है। अभी इसके ऊपर हम चादर सेट करेंगे, वो किस तरह से करना है वो भी आपको मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे रख दिए। अभी हमको क्या करना है, अल्टर प्लस वापस W करना है और ये चारों सेक्शन ले लेने, ठीक है। अभी चारों सेक्शन आने के बाद हम अभी इसमें टॉप में जाएंगे, इस तरह इस टॉप में जाके अभी हमको रेक्टेंगल लेना है। यहाँ पे आएंगे और ये रेक्टेंगल करेंगे और रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरह पे। देख लीजिए, इस तरह से हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये देख सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अभी हम वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और W करेंगे, ठीक है। W करने के बाद हम इसको मूव करेंगे, ये देख लीजिए मूव, ये है आपको लेफ्ट एक्सिस में करना है मूव, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये देख लीजिए कितना मूव करना है, इतना अप्रोक्सीमेट हम मूव कर देते हैं, ठीक है। ये सारे में आपको शो हो रहा है किस तरह से हो रहा है। अभी वापस इस एक्सिस को बड़ा करेंगे, ये देख लीजिए इस तरह से आ गए। अभी हम इसको जो है चादर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेक्शन में जाके ये मॉडिफाई लिस्ट के अंदर जाके अभी हमको इसमें गारमेंट्स सीखना है, गारमेंट्स। ये देख लीजिए, गारमेंट मेकर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ गया। अभी इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये है डेंसिटी बढ़ा देते हैं हम, ये देख लीजिए जितनी डेंसिटी बढ़े उतना अच्छा रहेगा। ये डेंसिटी बढ़ा दी हमने, आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर वापस हम मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे और क्लोथ सेट करेंगे, क्लोथ लेंगे
अभी नहीं आया, क्लोथ लिखेंगे, सी एल ओ टी एच, क्लोथ, क्लोथ लिखेंगे, ये रहा क्लोथ, इस पर सिलेक्ट कर देंगे, ये देख लीजिए क्लोथ हो गया। अभी इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके हम यहाँ पे एड ऑब्जेक्ट्स करेंगे। एड ऑब्जेक्ट करने के बाद ये देख लीजिए सिलेंडर वन प्लस, ये देख लीजिए सबसे पहले हमको एड ऑब्जेक्ट, एड ऑब्जेक्ट समझाना है, उसके बाद इस तरह का शो होगा, उसके बाद ये सिलेंडर वन सिलेक्ट करना है, ये देख लीजिए, और कंट्रोल प्रेस कर रखना है, और सिलेंडर टू भी सिलेक्ट करना है, दोनों सिलेंडर सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसके बाद हमको यहाँ पे ऐड पे ओके करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को ये सिलेक्ट किए, और यहाँ पे ना कॉलेप्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ओके कर देना है, और वापस फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद वापस सिलेंडर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कॉलेप्स सिलेक्ट है या नहीं है, इस तरह से सिलेंडर टू भी चेक कर लेंगे, ओके है। अभी हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, और रेक्टेंगल के क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोथ पे क्लिक करेंगे, क्लोथ पे क्लिक करने के बाद प्रेसेट्स पे क्लिक करेंगे, और कौन सा कपड़ा आपको यूज़ करना है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अभी हम स्टेन ले रहे हैं कपड़ा, ठीक है, कपड़े की क्वालिटी, और उसके बाद हम ओके करेंगे। ये देखिए इस तरह से ओके हो गया। अभी हम इसमें वापस एक बार ये देखिए क्लोथ आ गया, गारमेंट में करा गया, अभी हम इसको में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो लिखा है सिमुलेट में ओके करना है, और सिमुलेट में ओके करते ही ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर काम करने लगे। एक देख लीजिए अभी ये इस तरफ से आप देखिए ये पूरा डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से शो हो रहा है, इस तरफ देखिए ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, यहाँ तक जाएगा ये जो एरो है, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लीजिए अभी हम इसमें ये प्रॉपर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसलिए हम यहाँ पे फेड्स एजेस है वो ऑफ कर देंगे। ये देख लीजिए फेस एडिस है, ये हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये देख लीजिए इस तरह का ये पूरा हो गया है, अल्टर प्लस करके ऐसा घुमा सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से है, जो पूरा हमने चादर डाल दिया है डाइनिंग टेबल पे। अभी ये देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है, तो इसको भी रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर, सेल करेंगे, SHELL, सेल पे जैसे ऐसा क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए क्लियरली अभी अभी हमारा बन चुका है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से बन चुका है, ये देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से पूरा बन चुका है डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो ला सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।